मिस्टर रमन भल्ला, मिस्टर भल्ला, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए आपको कितना सहन करना पड़ता है। ये मैं आपको एक ड्रग दे रहा हूं जिससे तुम एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहोगे। फिर इशिता तुम्हें ढूंढती रह जाएगी, तुम उसे नहीं मिलोगे और उसे लगेगा कि तुम मर गए, जिस तरह मैं तड़पाऊंगा उस तरह तुम सभी को तड़पाऊंगा। And I'll make sure कि तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। Really? तुम हम दोनों को सबक सिखाना चाहते थे, मतलब तुम जो आपस में लड़ रहे थे वो सब नाटक था, और वो फ्लैट में जाके छुप छुप के मिलते थे इसी पर्पस से। I just can't believe this. अरे why can't you believe this, Karan? तुम दोनों ने हमारे लिए और कोई ऑप्शन छोड़ा था क्या? यही तरीका था तुम दोनों को सबक सिखाने का, इसीलिए हम वहां फ्लैट में जाके मिलते थे, तुम दोनों को एहसास करवाने का कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे के स्टूपिड ईगो की वजह से लड़ने का, ये वक्त है इशिमा को सपोर्ट करने का, बिकॉज़ शी नीड्स अस राइट नाउ। पर तुम दोनों ये बात सीधे सीधे समझ ही नहीं रहे थे। प्यार से हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर नहीं, तुम लोग अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे। तो हमें इसीलिए वहां जाके मिलना पड़ा, ये प्लानिंग करनी पड़ी कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, आलिया योग को सपोर्ट करेगी, और तुम लोगों को लगेगा कि हम दोनों लड़ रहे हैं, और फिर तुम लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हें इशिमा की चिंता होनी चाहिए और ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, इसीलिए हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। और रूही तुम मुझ पे क्यों बरस रही हो? ये सब मैंने शुरू किया, इसने शुरू किया ना ये सब। अच्छा, मैंने शुरू किया, अगर तुम मुझसे जलता ना तो ये सब शुरू ही ना होता। शट अप प्लीज, बस करो, तुम दोनों शर्म आती है तुम दोनों को, अभी भी बेशर्मों की तरह लड़ रहे हो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, कोई हमारी फाइट का फायदा उठा रहा है। अरे मेरे और रूही के उस फ्लैट में जाने का किसी को कुछ नहीं पता था, ओनली वी न्यू, और हमारे जाने से पहले ही वहां पे वो डेड बॉडी रख दी, क्योंकि कोई हमें फंसाना चाहता है। इट्स ऑल वेल प्लान्ड। अबे हमें समझ में नहीं आ रहा कि इंसान कौन है, हमें क्यों फंसाना चाहता है। आई डोंट नो किसकी क्या दुश्मनी है हमारे साथ, बट कोई हमें परेशान करना चाहता है। और प्लीज, अगर तुम दोनों ऐसे लड़ते रहे तो हम पता नहीं लगा सकते। एंड गाइस, हो सकता है ये वही इंसान है जो अम्मा को पापा बन के मैसेज कर रहा है। किसी को हमारी कमजोरी के बारे में पता है? उसको पता है हम पापा और रेशमा को लेकर कितने परेशान है, और वो इसीलिए उन दोनों को टारगेट कर रहा है। और इसीलिए उस आदमी ने इन दोनों को टारगेट किया, क्योंकि ये दोनों हम दोनों की सुलह कराना चाहती थी, और वो इनडायरेक्टली इशिमा का सपोर्ट तोड़ना चाहता है। बट ये आदमी हो कौन सकता है? कौन है ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा, रमन को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, किसी भी हॉस्पिटल में कोई क्लू नहीं मिला है उनके लिए। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उसके पास के सीसीटीवी को देख के एटलीस्ट वो ये पता लगा पाएंगे कि कार कौन सी थी, कहाँ गई। नहीं इशू, उसका कोई फायदा नहीं है, मैंने फ्लोरस से बात किया है अभी, उसे कहा है कि उसके शॉप के पास वाला सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, कुछ कैप्चर नहीं हुआ होगा। अच्छा एक काम करता है, मैं कमिश्नर से जाके मिलता हूँ, तुम ऊपर जाओ, लेकिन अभी किसी से कुछ नहीं कहना। मत जाओ मणि। क्यों मणि? तुमने ध्यान दिया, उस फ्लोरिस्ट के पास वाला जो सीसीटीवी था वो काम नहीं कर रहा था, और हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड का सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। जब पुलिस आई थी वो डेड बॉडी देखने के लिए, उन्होंने वॉचमैन से बात की, हमारे बिल्डिंग का सीसीटीवी ऑफ था, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कि दोनों इंसिडेंट्स कनेक्टेड है, किसी ने जानबूझ के रूही और आलिया को फंसाने की कोशिश की, और जिसने वो किया हो सकता है रमन भी उसी के पास हो। इशू तुम कहना क्या चाहती हो? अगर पुलिस के पास गए तो वो इंसान अलर्ट हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि हमें मालूम चल गया है कि रमन जिंदा है। हाँ इशू, तुम सही कह रही हो, यू राइट, उस आदमी की नजर है हम पे, और अगर हम पुलिस के पास जाए तो वो अलर्ट हो जाएगा, एंड आई एम श्योर हो ना हो रमन उसी के पास है, और अगर उसे पता लगा तो वो रमन को हार्म कर सकता है, हमें किसी स्कैंडल में फंसा सकता है। We can't take that risk. हाँ इशू exactly, लेकिन उससे पहले तुम्हें रिलैक्स होना होगा, मुझे रिलैक्स होना होगा, हम सब जगह इस तरह से टेंशन लेके नहीं घूम सकते, राइट? देखो मणि, एक बात की श्योरिटी कि सामने वाले ने हम पर नजर रखी है, वो ये जानता है कि मैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया वालों को लगता है कि रमन नहीं है, और मैं ये मान के बैठी हूँ कि वो है।
तो मुझे पता है हमें क्या करना है। और ईशु, मैं अभी सोचता हूँ कि आगे क्या करना है हमें। देखो, खुल के तो हम रमन को नहीं ढूंढ सकते, इसलिए छुप के रमन को ढूंढेंगे। और ये काम अकेले मैं कर सकती हूँ। आई हैव अ प्लान। क्या? रूही, आलिया, तुम लोग अभी भी मुंह लटकाए हुए हो। इशिता कभी भी आती होगी पुत्र, प्लीज। वो तुम ऐसे देखेगी तो टेंशन में आ जाएगी। प्लीज चेयर अप। हाँ ठीक है सिमी बुआ, हम दोनों एक काम करते हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं घर में, उनके सामने जितना कम दिखेंगे ना उतना ही बेटर होगा, तो किचन में जाके हेल्प कर देते हैं। आओ दोनों, मैंने वेजीज कट किए, यहाँ आके मेरी हेल्प कर दो। हाँ, पास्ता बना रही हूँ। पल्ला साहब, एप्पल खाओगे? हेलो एवरीवन। अरे इशिता। हाय शिमा, बड़ी खुश लग रही हो तुम तो। आई एम सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हूं ना मैं बता नहीं सकती। क्या पता है, मुझे लग रहा है कि आज रमन लौट कर वापस आने वाले हैं। इसीलिए आई एम सो एक्साइटेड। ग्रेट न्यूज है ना? क्या है चिट्टी? अका के लिए। अका? हाँ, आपके लिए पार्सल आया। मेरे लिए? किसने भेजा? पता नहीं, आपके लिए आया। ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। मंगल सूत्र। तुम्हारे भाई ना सच में कमाल के हैं, तरीका ही अलग है। खुद आने वाले हो, मेरे लिए मंगल सूत्र भी भेज दिया। इतना सुंदर है ना ये मंगल सूत्र। आई वॉन्ट टू वेयर इट राइट नाउ। पहनाना। अरे पहना ना जल्दी से, बुक खोल के दू। ये ले। अका, आपको ये नहीं पहनना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।